एवरीबॉडी, मैं हूं आपका अपना शेफ हरपाल सिंह सोखी और मैं बना रहा हूं बहुत ही सरल रेसिपी। आलू हम सबको पसंद है, इसलिए आलू की वैरायटी बनती रहे घर पे तो खाने में मजा आता है। मैं बना रहा हूं आलू फटिंडा। भाई बड़ी मजेदार चीज है, बड़ी सिंपल है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आधा किलो ये कंचे वाले आलू लेने हैं आपने, छोटे वाले, और ये बॉयल करके रख लेने। स्किन के साथ भी कर सकते हैं और स्किन निकाल भी सकते हैं, आपकी मर्जी है। स्किन के साथ खाना कोई बुरी बात नहीं होती है। उसके साथ साथ मुझे चाहिए एक बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, एक बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, 5 से 6 सूखी हुई लाल मिर्चें, एक छोटा चम्मच हरी मिर्च बारीक कटी हुई, आधा छोटा चम्मच हल्दी, एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हींग, आमचूर पाउडर 1 छोटा चम्मच, और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक, नमक शमक के हिसाब से डालेंगे। और इसके साथ साथ एक स्पेशल मसाला है वो हमें बनाना है। उसके लिए हमें चाहिए 1 बड़ा चम्मच खड़ा धनिया, आधा छोटा चम्मच सौंफ यानी कि एनिसीड, 1 छोटा चम्मच जीरा होल जीरा, आधा छोटा चम्मच ब्लैक पेपर यानी कि साबुत काली मिर्च, और 1 छोटा चम्मच जो है हमें कलौंजी चाहिए। सबसे पहले हम मसाला बनाएंगे और मसाला बनाने के लिए 1 बड़ा चम्मच होल धनिया, आधा छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच काली मिरी ब्लैक पेपर, और जो 5 लाल मिर्चें हैं उनमें से 3 हम इसमें डाल लेंगे और बढ़िया तरीके से ड्राई रोस्ट करेंगे। और जैसे ही खुशबू आने लगे बढ़िया तरीके से मसाले की, तो हम इसे दरदरा पीस लेंगे। धीमे आंच पे रोस्ट करिएगा और अब इसे मैं ग्राइंड कर लूंगा। ये लीजिए, इसे हम दरदरा पीस लेंगे। बहुत ही गजब का फ्लेवर आता है इसमें। ये देखिए, इस तरह से दरदरा पाउडर आपने पीसना है और इसे मैं ढक के रख लूंगा। और अब आलू बनाने की विधि शुरू। सबसे पहले 2 बड़े चम्मच तेल के लेंगे और इसमें 2 लाल मिर्चें, कलौंजी, और इसके साथ साथ हींग, और साथ ही साथ अदरक और लहसुन बारीक कटा हुआ। अब ये जो आलू हमने उबाले हैं, कुछ जो बड़े हैं उनको मैं इस तरह से छोटा काट के इसमें डाल लेता हूं। ये लीजिए, जो छोटे हैं उनको वैसे ही डाल लें। बॉयल्ड आलू हमने यूज किया, बॉयल करने के लिए छोटे वाले आलू या तो आप गर्म पानी में उबालें और एक हांडी में, या आप प्रेशर कुकर में भी इसे उबाल सकते हैं। और अब इसमें सारे ड्राई मसाले डाल लेते हैं, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर, और जी नमक शमक करके डालिएगा। ये लीजिए, टनट टनट, ये डाल दिया हमने, और हरी मिर्चें ये भी डाल लेते हैं। अब ये सारी चीजें डालने के बाद मिक्स कर लेते हैं और इसमें अब ये फाइनली पीसा हुआ जो मसाला है ये डाल लेते हैं। 2 बड़े चम्मच डालेंगे। अगर बाकी बच गया तो आप स्टोर करके रख सकते हैं, फिर दोबारा कभी बनाना हो तो जरूर यूज करिए। क्या बात है, ये जो फ्रेशनेस है स्पाइसेस की, इसका मजा ही कुछ और होता है। बहुत ही मजेदार बन गए। ये देखिए, परोसने के लिए ये मेरे पास बढ़िया बोल, और ये लीजिए हरा धनिया गार्निश। वाह, अपने आप में इतने मजेदार है, आप इसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं और सब्जी के रूप में भी खा सकते हैं, लेकिन बना के परिवार को जरूर खिलाइए, सबको मजा आएगा।